अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ते हुए देख रहे हों, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है, अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में। अब आप इस पर डिबेट नहीं हो सकते, निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे, आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब बैठिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए, ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया आपने, माफिया के खिलाफ जवाब आ जाए, जिस माफिया के खिलाफ जो भी और जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो नहीं है। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं कि इसे हम हार कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी दूर, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती, आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी।